शजाब भाई जिनसे बात हुई थी वो रोजे की हालत में इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, और ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं किस तरह रश है गाड़ियों का। सिर्फ 5-10 मिनट रह गए अफ्तारी का टाइम, लेकिन भूखे प्यासे वो अपनी ड्यूटी खूब अच्छे अंदाज में अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान फैसल इकबाल, आप देख रहे हैं पंजाब मीडिया टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं माल रोड पे, और आज एक बहुत अहम टॉपिक पे हम बात करेंगे। सारा दिन रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले वार्डन्स, क्या उनका कोई परेशान हाल है? जब 3 बजे छुट्टी होती है माह रमजान के अंदर, तो वो बहुत हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और नाज़रीन, हमें इतनी जल्दी होती है कि हम वायलेशन पे वायलेशन करते हैं रोड्स पे, और हम जानेंगे जो वार्डन्स को कौन कौन से मसाइल दरपेश है, खासतौर पर माह रमजान के माह में जब वो रोजे के साथ सख्त गर्मी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, तो 3 मसाइल का सामना रहता है। सीटीओ हमारा इधर उन्होंने काफी सपोर्ट किया है, इन्हें कुछ अर्सा पहले वो सीटीओ लाहौर तैनात हुई है, वार्डन के मसाइल सुनते हैं वो काफी हमारी खबरों के मुताबिक। तो हम वार्डन से बात करते हैं और देखते हैं जो पूरा दिन गर्मी में, तो गर्मी अब शुरू हो चुकी है, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, वायलेशन को रोकते हैं, लेकिन आवाम का कितना तामून है उनके साथ, क्या आवाम तामून करती है उनके साथ, और इफ्तारी के बाद उनके क्या इंतजाम है महकमे की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें क्या वाकई इफ्तार टाइम पे पहुंच रहा है। तो आइए बात करते हैं वार्डनों के साथ। जी दिलीप भाई, कैसे हैं आप? दिलीप भाई क्या हालात है, कैसा ट्रैफिक कंट्रोल हो रही है आजकल रमजान में खास? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर की आवाम भी हमारे साथ तआवुन कर रही है, और वायलेशन वो काफी कम है रमजान की वजह से। आपको पता है कि सबरों तो मन से भी फिर लोग काम लेते हैं, जिसका हमें इस्लाम ने बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी बड़ी जबरदस्त जा रही है, लोग भी तामन कर रहे हैं, और वार्डन की तरफ से सबर तामुल के साथ ही पेश आ रहे हैं। हमारे सीटीओ साहब जो हमारा जी जी, उनके हमें इंस्ट्रक्शन हैं कि रमजान मुबारक में खासकर शहरी और अफ्तारी के जो उनसे ड्यूरेशन है उसमें सिला रहमी से काम लेना है, मेजर वायलेशन का चलान करना है, और लोगों से दरगुजर से पेशा, यानी मोस्टली आप वार्न करें और उन्हें आप वार्निंग कर रहे हैं। अभी बिल्कुल सही, अभी ये भाई खड़े हैं, इनका 2000 रुपये का फाइन बनता है, अभी इनका उनसे सब नहीं है, कागजात नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, नंबर भी सही है, नंबर प्लेट 200 का फाइन किया है। ये रमजान मुबारक का इनको बरकते भी पहुँच रही है, और साथ में ये वार्निंग ही है, यानी कि 1800-1800 रुपए की बचत हो गई आपकी, और इंशाल्लाह ताला ने वादा किया ये रोजे से है, इन्होंने वादा किया कि आइंदा ये हेलमेट पहनेंगे। यार हेलमेट जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। आप बताएं कि वार्डन इतना प्यार और ताबुन कर रहे हैं आपके साथ, तो खुश है आप? हाँ जी खुश है, अपनी जगह पे वो भी रहते हैं, लेकिन हमारी भी यार उनकी ड्यूटी है ना। हाँ जी, जब आप घर से निकलते हम ये चीजें नहीं देखते, नहीं नहीं देखनी चाहिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए, जो हेलमेट की सेफ्टी के लिए है, लेकिन उन्होंने तो मेरी भाई रिक्वेस्ट की है, बट उन्होंने बोला ठीक है आपको ये बात नहीं है, आप खुश है रोजे के साथ, आइंदा वायलेशन नहीं करनी आपने, ठीक है तनवीर भाई, बहुत जबरदस्त जी। अच्छा मुझे ये बताएं इफ्तार के बाद इंतजाम ठीक है आपके? महकमे की तरफ से कभी हिस्ट्री में ऐसी इफ्तारी नहीं मिली जो इस मरतबा मिल रही है हमें। अच्छा जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त जो इफ्तारी हमें मिल रही है, बड़ी जबरदस्त मिल रही है, जूसेस के साथ मिल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह रोजे ठीक जा रहे हैं ओवरऑल। ये बहुत शुक्रिया बात करने का तनवीर भाई, आपने सुना जी बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं लोगों की, वार्डन जो इस वक्त ड्यूटी पे है बहुत हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मली वार्निंग दे रहे हैं माह रमजान के तकद्दस की वजह से, और दूसरा जो है वो बहुत ज्यादा सख्त किस्म के वायलेशन के अंदर वो जरूर चलान कर रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर काफी हद तक वो टॉलरेंस का मुजाहरा कर रहे हैं अपना। तो देखते रहिए पंजाब मीडिया की। नाम आपका सर? समीउल्लाह भाई, माह रमजान में रोजे के साथ अब इतनी टफ ड्यूटी कर रहे हैं, गर्मियां भी स्टार्ट हो गई है, तो किन मसाइल का खास तौर पे सामना आपको है अपना इस वक्त जो करंट यानी कि सिचुएशन है? बस तनख्वाह काम है, तनख्वाह काम है,
कि आपने सुना कि बहुत अहम इशू उन्होंने बताया है कि तनख्वाह बहुत कम है, तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए महकमे को। अच्छा, ये एक इशू हो गया। हाँ जी, दूसरा इशू ये बताएं कि अफतारी से पहले जो एक बड़ी भागदौड़ लगी होती है ट्रैफिक की, हाँ जी हाँ जी, उसमें वायलेशन काफी ज्यादा होती है, तो वायलेशन हम कम्प्लीट करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्रीफ भी करते हैं। रमजान शरीफ में रोजेदार वो भी रोजे के साथ होते हैं ज्यादातर लोग, तो आप कोई थोड़ी सी मोहब्बत प्यार कर लेते हैं उनके साथ? हाँ जी बिल्कुल, वार्निंग दे के लीव कर देते हैं, वार्निंग भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये है कि लोग तंग भी आते हैं क्योंकि चलान चलान की सख्ती कुछ ज्यादा कर देते हैं। जी नाजरीन, आपने सुना ट्रैफिक वार्डन समी भाई यहाँ पे है इस वक्त टाउन हॉल के बिल्कुल चौक में मौजूद है। उन्होंने दो तीन मसाइल अपना बताए हैं, उसके अंदर ज्यादातर उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ कुलीग सी थे और बाद में वो प्रमोट हो गए सीनियर हो गए, चलान का थोड़ा सा बर्डन डालते हैं, लेकिन जो पुराने जो इंस्पेक्टर हैं वो इतना फोर्स नहीं करते। तो इसमें रिक्वेस्ट करते हैं हम अपने पंजाब मीडिया चैनल की तरफ से जो नए प्रॉपर्टी हैं कि कम अज कम एडीस आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये हमारे नौजवान जो इतनी सख्त गर्मी में इतनी हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, इतनी बिजी रोड्स और ऑल द डे, यानी कि आई थिंक जी रात 11-12 बजे तक 1 बजे तक बहुत लोड हो रहा है ट्रैफिक में, तो आवाम को चाहिए कि वो भी इनका एहसास करे और डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वो इनका एहसास करे। जी नाजरीन, इस वक्त लीगल जो भी मौजूद है शहजाद साहब हमारे साथ खड़े हैं। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शहजाद भाई कैसे हैं आप? अच्छा जी, माह रमजान भी इधर टर्म महीने में इतनी हैवी ट्रैफिक आप कंट्रोल कर रहे हैं माशाल्लाह, तो भी थोड़ा सा टॉलरेट कर रहे हैं आप आवाम के साथ? वो सीनियर रेस्टोरेंट की तरफ से हमें है इंस्ट्रक्शन के अफतारी से पहले जाना, वो लोगों को गाइड करें और उसके बाद वायलेशन पे चलान देना तो हमारी ड्यूटी है, वो तो हम करते ही साथ साथ। लेकिन वार्निंग भी दे गए आप छोड़ रहे हैं अपना लोगों को? हाँ, थोड़ा पहले की नस्बत सख्ती तो कम है, कम है अपना। हाँ, रमजान के तकद्दस की वजह से, रमजान के तकद्दस को अफतारी की जल्दी की वजह से लोग करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा सख्ती नहीं करते, मतलब पहले पहले उसके बाद में वायलेशन पे चलान देना तो हमारी ड्यूटी है, वो तो हम करते हैं। अच्छा, इस वक्त जो है मेरे ख्याल 20-25 मिनट रह गए अफतारी के अंदर, तो इस वक्त रश क्राउड ज्यादा लोड हो जाता है, तो उसमें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी तरफ से, तो बेहतरीन मतलब काफी छुट्टी है हमारी के लोग अपने घरों में अफतारी उनके दौर में जो वार्डन द्वारा से ज्यादा बेहतर है पहले की नस्बत अफतारी का? ठीक है जी, पहले जो सीटीओ गुजरे वो भी रमजान में पाए, रमजान के मुकद्दस की वजह से तो ज्यादा ही करते थे, लेकिन ये भी बादशाह हमारे यंग जो बॉर्डर है माशाल्लाह पूरी तनदही के साथ इस वक्त आप देख सकते हैं 15-20 मिनट रह गए और ट्रैफिक का लोड देख सकते हैं आप, इतना हैवी लोड है। ये सामने हाल रोड मौजूद है, वो बिडन रोड है, और आप देख सकते हैं कि पैनोरामा भी, लोग शॉपिंग के लिए भी आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में तो तकरीबन रात तक रश होता है, तो इस वक्त आप एक जायजा अगर लें तो बहुत ज्यादा चारों तरफ से लोड नजर आ रहा होगा आपको रोड पे, सारे लोड को कंट्रोल ये हमारे वार्डन अपनी मेहनत के साथ एफर्ट के साथ कर रहे हैं। हम इन्हें सलूट करते हैं कि गर्मी भी इतनी सख्त है, गट्टा मट्टी हर चीज की परवाह ये बगैर ये अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र सर, आपको सलूट है, आप माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोजा है आपका? जी जी बिल्कुल रोजा, आपको पता ही है जो टाइम होता है रोजा कंडीशन आती है बिल्कुल ऐसे हो जाता है इस टाइम, लेकिन कोशिश यही होती है कि ये जो वाहिल लोग हैं इन्होंने भी घर जाके अफतारी करनी है, तो अच्छे तरीके से सर्व कर ले ताकि ये जो है ना अगर पहुंच के अच्छे तरीके से लोग अफतारी कर सके। बिल्कुल सही जी, आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं रोजे के साथ, होते हैं कई बदतमीजी वगैरह कर देते हैं अपना, या वो होता तो है इस तरह का डेली बेसिस पे? बस आपको पता हर तरह की आवाम है, कुछ लोग बड़े अच्छे तरीके से जो मैनेज करते हैं, बड़ा कोऑपरेट करते हैं, और कुछ आपको पता ही है, लेकिन ओवरऑल शुक्रिया अल्लाह का बेहतरीन है, बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हैं।
सीनियर अफसरान की तरफ से बड़ी बात है कि जब ये सीनियर साहबान एस पी साहबान हमारे साथ अक्सर ही तो बस यही इसीलिए सर कर रहे हैं कि चले बाकी आवाम जो है वो घर जाके अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से अफसारी करें। और वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि लोग भी अपने स्कूल से जाके दोनों में अफसारी करें। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारा एक माल रोड का मेन एरिया है जहाँ पे हाल रोड है, बिडल रोड है, पैनोरामा सेंटर है, लोग आजकल शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो मजीद बात करते हैं साहब भाई, आजकल जैसे शॉपिंग का भी बहुत ज्यादा अपना लोग स्टार्ट कर चुके हैं, इसके अलावा ये हाल रोड आपके सामने है, आपका तो बड़ा ये टफ सेक्टर है, यानी यहाँ काफी लोड है, चारों तरफ से बड़ा लोड है। देखिए जी, पूरे लाहौर के अंदर जो सबसे ज्यादा टफ सेक्टर है वो माल रोड है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एरिया है, इसके अलावा हाल रोड है, इसके अलावा पैनल मार्केट है, पूरे लाहौर का सबसे मशरूफ जो चौक है ना वो आप कह सकते हैं रीगल चौक। तो यहाँ पे ड्यूटी नो डाउट के बहुत टफ है, लेकिन अल्लाह पाक सबर और हिम्मत देने वाला है, रोने की हालत है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी मेहनत से चला रहे हैं चौक, और आप देख रहे हैं कि चारों साइड है बिल्कुल अपना वो चल रही है बिल्कुल सही। अच्छा ये बताए कि ज्यादा 12 बजे के बाद स्कूल शुरू हो जाता है, कितने बजे के बाद लोड का कम होता है? सर जी इधर अफतारी के बाद लोड थोड़ा कम हो जाता है, 1 घंटे के लिए और जब 15 रोजों के बाद जो है 16वें 17वें रोजे के बाद शॉपिंग का बहुत ज्यादा दूर हो जाना है, उसके बाद फिर अफतारी के बाद लोड शुरू हो जाना है। तो यह है कि अभी तक तो अफतारी तक लोड चल रहा है और अफतारी के बाद लोड कम है और 15 रोजे के बाद फिर लोड ज्यादा हो जाएगा। आपने सुना जी इस वक्त अफतारी के बाद लोड थोड़ा सा कम है, लेकिन डेफिनेटली जैसे ये बता रहे हैं कि माल टू रीगल चौक जो है सबसे बिजिएस्ट, यानी कि वो एक सेक्टर कह सकते हैं आप जो लाहौर के अंदर है जहाँ पे चारों तरफ से ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा फ्लो है। अच्छा मुझे ये बताएं कि 15वें रोजे के बाद आपकी यहाँ पे बॉटम ज्यादा तैनात कर दिए जाएंगे, किस तरह आप यहाँ पे मार्केट की ड्यूटी लग जाएगी और आखिरी दस दिन जो है वो ट्रैफिक यहाँ पे ड्यूट कर दिए जाएंगे और इंशाल्लाह उसी तरह से अच्छे अंदाज से हम मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कोई ये है सबसे ज्यादा वायलेशन बाइकर ही करते हैं क्या, ये ठीक बात है? ऐसा ही है क्योंकि बाइक से अभी ज्यादा असल में जल्दी वाली सवारी है और बंदा बहुत जल्दी में बाइक पे बैठा है, मेरे ख्याल में तो ये इस वक्त बिल्कुल 5-10 मिनट रह गए और रोजे इफ्तारी की तैयारी चल रही है। तो आपने सुना जी क्वार्टन ने थोड़ा सा अपने मसाइल भी बताए, किसी भी आप मुल्क में जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो उसकी ट्रैफिक का निज़ाम, जिसे वार्डन या ट्रैफिक के एहलकार जो है वो कंट्रोल करते हैं। बदकिस्मती से हम उन मुल्कों के अंदर तो नहीं है जहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम हो ट्रैफिक का, हम बहसीत कौम हमें बहुत जल्दी हर चीज़ की, हम चाहते हैं कि इशारे पे अगर 30 सेकेंड हमने रुकना है तो हम 20 सेकेंड बाद ही अपनी गाड़ी या बाइक कोशिश करते हैं कि निकल जाए। तो ये वार्डन आपकी खिदमत के लिए है, हमारी अपने चैनल की तवज्जो से ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इनसे कोऑपरेट किया करें। 7-8 में बड़ी शदीद गर्मी के दिन स्टार्ट हो चुके हैं और रोड पे आप 1 घंटा नहीं खड़े हो सकते, आपको नेस्ली बता रहा हूँ कम सैलरीज के अंदर वार्डन जिस जाफशारी से काम कर रहे हैं ये उनकी हिम्मत है। हमारी रिक्वेस्ट है अल्लाह हुकाम से कि इनकी सैलरीज मजीद बढ़ाई है क्योंकि सैलरीज कम है, इनकी ड्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी कौम या मुल्क का जो ट्रैफिक का निज़ाम अगर अच्छा होगा तो वो उतनी ही अच्छी कौम कहलाती है। हमारे 76 साल में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं अभी डेवलप हो सका, लेकिन हमारे इदारे कोशिश पूरी कर रहे हैं, आपके रोड्स गाड़ियों के साथ बड़ी हैं, बाइक्स बेशुमार हैं और बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां आपकी रोड्स पे फिर रही हैं, लेकिन ट्रैफिक कवानीन के साथ चंद 1% लोग हैं जो फॉलो करते हैं और लोग फॉलो नहीं करते। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे भी वो इससे फुल कोऑपरेट करें, अपना लाइसेंस का ख्याल रखें, लाइसेंस के बगैर रोड पर गाड़ी मत चलाएं, बाइकर जो है खासतौर पर हेलमेट का इस्तेमाल करें, एक
ट्रैफिक कवानीन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैन का ख्याल रखें। हमारे सिस्टम ये है कि बाइकर जो हैं वो फर्स्ट लाइन में होते हैं या सेंटर वाली लाइन में होते हैं, और अक्सर कारों वाले वो एंड वाली जो बाइकर्स लाइन है वहाँ पे ज़्यादा ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करने से एक तो आपकी सेफ्टी भी है, आप अपने आप को सिक्योर करते हैं, अपने आप को सिक्योर करते हैं मतलब कि आप अपनी फैमिली को भी सिक्योर करते हैं। तो प्लीज़ अपनी ट्रैफिक जो कवानीन है उनको लाजम मंजूम कर लें, उनको फॉलो करें, लाइसेंस के बगैर गाड़ी या बाइक ना चलाएं, और कोशिश करें कि अच्छा शहरी बनने की कोशिश करें। तो देखते रहिए पंजाब मीडिया।